जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद मूलेंद्र पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि सर हमारा इस मेरिट में नाम नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, उन सभी से यही कहूंगा कि फ्रेंड्स धैर्य बनाए रखें, डोंट वरी, चिंता ना करें, आपका एडमिशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसे होगा इसके बारे में जान लेते हैं। और जिन स्टूडेंट का फर्स्ट मॉपअप राउंड में मेरिट में नाम सेलेक्ट हुआ है, वो अपने नज़दीकी NSTI में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। उसकी लास्ट डेट आज है, यानी कि 6 तारीख। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया होगा और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है। तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि नज़दीकी, यदि आप CITS करना ही चाहते हैं, तो नज़दीकी प्रोविजनल एडमिशन जा कर के ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स का अभी तक नंबर नहीं आया है, उन्हें क्या करना है, उनके बारे में ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, आपको हॉस्टल के बारे में भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने मैं कुछ स्टूडेंट का डाउट था कि सर सेकंड मॉपअप क्या है, इसमें हम क्लियर नहीं कर पाए थे। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में पूरी तरह क्लियर कर देता हूं मैं आप सभी को। ये 8 और 9 जुलाई को होने वाला है, यानी कि मंडे और ट्यूसडे को। तो इसमें फ्रेंड्स क्या करना है, जो भी आपको वैकेंट सीट, यानी कि फर्स्ट राउंड मॉपअप राउंड के बाद जो भी वैकेंट सीट यानी कि खाली सीटें हैं, उनको आपके डिस्प्ले पर, यानी कि आपका जो वेबसाइट है उस पर के पोर्टल पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। और जिन भी कॉलेज में यानी इंस्टीट्यूट में जितनी वैकेंसीज खाली हैं आपकी ब्रांच से रिलेटेड, वो आपको डिस्प्ले कर दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यदि आपने पहले, यानी कोई भी कैंडिडेट यदि जिसने मॉपअप राउंड में रजिस्टर्ड किया था, यानी कि आपने पहले मॉपअप राउंड में हिस्सा लिया था और फीस भी पे कर दी है, तो वो फ्रेंड्स अपने नज़दीकी NSTI में यदि आपकी सीट उस मेरिट में अवेलेबल है, यानी कि पोर्टल पर डिस्प्ले की गई वैकेंसीज यदि आपकी सीटें वहां पर रिक्त हैं, तो आप अपने नज़दीकी NSTI में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप के लिए बहुत ही ज़रूरी सूचना थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट भी था, वो डाउट क्लियर हो गया होगा। यदि आपको जो सीट वैकेंट सीट की डिस्प्ले प्रदर्शित की जाए, और यदि आप पहले रजिस्टर्ड हैं, तो आप अपने नज़दीकी NSTI में जा कर के एडमिशन ले सकते हैं। तो बहुत अच्छी सूचना है। और फ्रेंड्स, बात करते हैं आगे की। यहाँ पर आगे है, एनी कैंडिडेट हु वाज अपेयरिंग इन AICET एंड हु वाज स्कोर्ड अबव 220 मार्क्स कैन बी आल्सो रजिस्टर्ड ऑनलाइन विद काउंसलिंग फीस एंड अप्रोच द नियरेस्ट NSTI टू गेट प्रोविजनल एडमिशन। तो फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम दिया है और जिनके मार्क्स 20 से अधिक हैं, वो कैंडिडेट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, काउंसलिंग फीस पे कर सकते हैं और अपने नज़दीकी NSTI में जा कर के एडमिशन ले सकते हैं वैकेंसीज के अनुसार। और फिर आपको अगले नेक्स्ट है, यहाँ पर 11 तारीख को मॉपअप ITOT के बारे में। तो 10, 11, 12 जुलाई को होने वाला है। जो स्टूडेंट रह जाते हैं उनके लिए भी ये 20 मार्क्स से अधिक रजिस्टर्ड, वो भी काउंसलिंग में रजिस्टर्ड कैंडिडेट जाकर के ITOT में एडमिशन अपनी चॉइस के अनुसार ले सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी और अपने नज़दीकी NSTI में जाकर के ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था कि सर क्या प्रोविजनल एडमिशन लेने के बाद हमें एडमिशन के लिए कहीं पर जाना होगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए भी आपके, ये आप सभी को डिस्प्ले पर प्रदर्शित होगा कि आपके जो कॉलेज हैं वो 1 अगस्त से ओपन होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हॉस्टल के बारे में बताएं, फीस पे कितनी है, मेस के बारे में बताएं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर कितने हॉस्टल हैं और कितनी सीटें हैं, और कहाँ पर कैंटीन की सुविधा है, मेस की सुविधा है, जिम खाने की सुविधा है, लाइब्रेरी की सुविधा है। तो उसके बारे में भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। उस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि आपको हॉस्टल के लिए कैसे अप्लाई करना है, कब जाना है, कब नहीं जाना है। सारी इन्फॉर्मेशन अगली वीडियो में देने वाला हूँ, तो इस वीडियो के साथ बने रहें।
तब तक के लिए उस वीडियो का इंतजार करें, आज शाम तक वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जय हिंद जय भारत।